निमृता हलाकत केस में एक अहम और नया मोड़ सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक निमृता के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए की ट्रांसैक्शन की गई हैं। निमृता कुमारी के अकाउंट में लाखों रुपए कहां से आए और कहां गए, इस हवाले से पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया है। पुलिस ने निमृता के बैंक अकाउंट की तफसीलात हासिल कर ली हैं, जबकि निमृता की हलाकत से मुतल्लिक केस की तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया है। याद रहे कि 16 सितंबर को लाड़काना के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से कराची से ताल्लुक रखने वाले तालबा निमृता की लाश बरामद हुई थी। कॉलेज इंतजामिया ने वाकये को खुदकुशी करार देने की कोशिश की, लेकिन मकतूला के भाई डॉक्टर विशाल ने खुदकुशी के इम्कान को रद्द कर दिया था। आसफा डेंटल कॉलेज की फाइनल ईयर की तालबा निमृता की हलाकत की FIA एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद तहाल दर्ज नहीं की जा सकी। FIR दर्ज करवाने के मामले पर निमृता के भाई डॉक्टर विशाल और दीगर अहले खाना की मुसलसल अदम दिलचस्पी के बाइस गुज़िश्ता रोज SSP लाड़काना मसूद बंगिश ने विशाल के नाम तहरीरी तौर पर एक खत के जरिए FIR दर्ज करवाने की दरख्वास्त की। खत में कहा गया कि हाई प्रोफाइल केस की तहकीकात के लिए तावन की जरूरत है, वाकये की फौरी तौर पर FIR दर्ज करवाई जाए। मुकदमा दर्ज होने के बाद वाकये की असल हकायक सामने आएंगे। जबकि दूसरी जानिब निमृता के बैंक अकाउंट से 30 लाख की ट्रांसैक्शन की गई हैं, जबकि अब पुलिस ने इस पर तफ्तीश का आगाज कर दिया है।